नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 दिसंबर सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की जांच में रोजाना चकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब एक और मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी जीके के पेपर में नकल करते हुए पकड़े गए हैं, उनमें 80% के फैमिली मेंबर्स सरकारी जॉब में हैं। नकल गिरोह के साथ पकड़ी गई 6 लड़कियों में कई काफी प्रभावशाली बैकग्राउंड से हैं। पकड़े गए 49 लोगों में से 45 बच्चों को जो पेपर रटाया जा रहा था उसके 80 प्रश्न हूबहू मिले हैं। इन्हें मास्टरमाइंड ने 100% प्लेसमेंट की गारंटी दे रखी थी। राजस्थान में पिछले 2 साल में करीब 17 भर्तियों के पेपर आउट हो चुके हैं। उदयपुर पुलिस ने पूछताछ के बाद एक और मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसा। पुलिस ने एक होटल से रावताराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। खुद सेकंड ग्रेड टीचर है। संचोर निवासी रावताराम जसवंतपुरा के राजकीय विद्यालय में सेकंड ग्रेड टीचर के पद पर लगा हुआ है। बांसवाड़ा जिले के गड्डी विधानसभा क्षेत्र के गोपीनाथ का गड्ढा में जनाक्रोश रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में एग्जाम के पेपर लीक होने की समस्या हर बार हो रही है। सरकार इस लीक मामले में कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए सरकार को अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने तो पहले भी प्रदेश की सरकार को पेपर लीक प्रकरण केंद्र को सौंपने को कहा था, लेकिन सरकार को पता था कि इससे उनके अपने फंस जाएंगे, इसलिए जांच सीबीआई को नहीं सौंपी। मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण में सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि अब ऐसा कानून लाएंगे कि पेपर लीक कराने वाले अपराध करने से पहले 7 बार सोचेगा। इसके बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। टोंक जिले के मालपुरा के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कोष से करीब 50 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। इसमें अस्पताल के तत्कालीन 3 प्रभारियों समेत 6 अस्पताल कर्मियों को दोषी माना है। इन रुपयों की वसूली के लिए अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अनिल मीना ने मेडिकल विभाग जयपुर के डायरेक्टर केएल मीना के निर्देश पर तीनों तत्कालीन अस्पताल प्रभारियों को वसूली का नोटिस दिया है। इन सभी को 3 दिन में गबन के रुपए जमा कराने हैं। रुपए जमा नहीं कराने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गबन में तीनों तत्कालीन अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अर्जुन दास सिंधी, डॉक्टर अमित सक्सेना, डॉक्टर विद्या मगनानी, तत्कालीन अकाउंटेंट केशवकांत शर्मा, जूनियर अकाउंटेंट कल्पना प्रजापत, सलीम नकवी दोषी हैं। राजधानी जयपुर में हनी ट्रैप के मुकदमे में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को आदर्श नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 1 साल से कई राज्यों में पुलिस से बचने के लिए फरारी काट रहा था। गिरफ्तार आरोपी भारत भागवानी उर्फ भरतू को पुलिस ने बपरदा गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार भारत भागवानी के अन्य साथियों को पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। साथियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद आरोपी जयपुर छोड़कर भाग गया था। अपराधियों ने थाना इलाके में फ्लैट बेचने के बहाने पीड़ित को घर बुलाया। महिला द्वारा अपने पति व अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट की। दुष्कर्म जैसे केस में फंसाने की धमकी देकर उसके मोबाइल फोन से 9 लाख रुपए खुद के खाते में ट्रांसफर कर लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अमन गोडीवार व श्रीमती डॉली गहलोत व उसके पति गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश भारत भागवानी फरार हो गया था। झालावाड़ जिले के सरोला गांव में एक विवाहिता ने ग्रह कलेश के चलते जहर खाकर जान देने की कोशिश की। जहर खाने से महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत हो गई। परिजनों ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसका इलाज चल रहा है। ग्रह कलेश के चलते विवाहिता ने एक बार पहले भी केरोसिन डालकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। सरोला निवासी पप्पू रैगर ने बताया कि सुबह किसी बात को लेकर उसकी पत्नी और बहन में झगड़ा हो गया था। इसके बाद नाराज होकर उसकी 30 वर्षीय पत्नी सीमा ने घर में रखी चूहे मारने की दवा खा ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी प्रभारी महेंद्र वार्ड में पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मामले को लेकर सरोला पुलिस को सूचना दी गई है। पंजाब के लुधियाना में मंडी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन दर्शन लाल लड्डू के नूरवाला रोड स्थित दफ्तर में दिन दिहाड़े लूट हो गई। उनके दफ्तर में बाइक सवार 5 बदमाश घुसे। बदमाशों ने कैशियर विवेक से मारपीट कर 70 से 80 हजार रुपए लूट लिए। कैशियर ने बदमाश का मुकाबला भी करना चाहा, लेकिन उसने उसके सिर पर पिस्टल का बट मारा। बदमाश रुपए लूट कर आसानी से फरार हो गए।
दफ्तर में बैठे कैशियर ने तुरंत मालिक दर्शनलाल और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। लूटपाट करने वाले नशेड़ी किस्म के बदमाश बताए जा रहे हैं। कैशियर के मुताबिक 5 आरोपी दफ्तर में यह कहकर दाखिल हुए कि उन्होंने प्लॉट की किस्त जमा करवानी है। दफ्तर में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कारोबार किया जाता है। वारदात के बाद थाना मेहरबान की पुलिस मौके पर पहुंची। पता चला है कि एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी भागते दिखाई दिए हैं। पुलिस अलग अलग लोकेशन पर आरोपियों को ट्रेस करने में जुटी है। सीकर पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड मामले में 13वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके विक्रम बामरडा का रिश्तेदार है, जिसने हत्या के बाद फरार होने वाले आरोपियों के लिए सीकर में पिपराली के पास क्रेटा गाड़ी की व्यवस्था की थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। सीओसीटी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले में शूटरों की मदद करने वाले आरोपी 25 वर्षीय नेमीचंद गुर्जर को बामरडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में गिरफ्तार हुए विक्रम बामरडा का रिश्तेदार है। पुलिस इस मामले में पहले मनीष उर्फ बच्चिया, विक्रम गुर्जर, जतिन वर्मा, सतीश कुमार, शकील, गणेश, राकेश, मुकेश, सरजीत गुलझारी, उमेश को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जालौर के नोसरा थाना क्षेत्र में किराना व्यापारी से 9 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट के बाद आरोपियों ने लूट की रकम का बंटवारा कर लिया था। मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। एएसपी अनुकृति उज्जैनिया ने बताया कि आरोपी 1 महीने से सुमेरपुर निवासी सुरेंद्र सिंह की रैकी कर रहे थे। व्यापारी के प्रत्येक सोमवार को कलेक्शन के रुपए लेने सुमेरपुर से अनेक गांवों से रुपए लेकर जाने के रूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर 19 दिसंबर को छंगानी और कोटड़ा के बीच सुनसान जगह पर गाड़ी के आगे बाइक डालकर कार को रुकवाकर गाड़ी के कांच लाठियों से तोड़कर पीड़ित के साथ मारपीट कर बैग में रखे करीब 9 लाख रुपए, गाड़ी की चाबी, मोबाइल फोन और बैग में रखी रसीद बुक लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने छंगानी निवासी मावेश, कनिवाड़ा निवासी कृष्ण कुमार, तीखी निवासी अवन कुमार और ओढ़वाड़ा निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया है। टोंक जिले में शातिर ठगों ने भीमसेना के जिला अध्यक्ष अशोक बैरवा के नाम से फर्जी व्हाट्सएप आईडी बना ली और उनकी फोटो लगाकर परिचितों को मैसेज भेजे। शातिर ठग ने बैरवा के परिचितों को रुपयों की जरूरत बताकर अर्जेंट में ऑनलाइन रुपए भेजने के लिए कहा। ठगों की बातों में आकर करीब 5 लोगों ने 80,000 रुपए ठग के दिए अकाउंट नंबर में भेज दिए। जब अशोक बैरवा को फर्जी आईडी बनाकर रुपए मांगने की बात पता चली तो उन्होंने अपने सभी परिचितों को मैसेज भेजकर किसी को भी रुपए नहीं भेजने के लिए कहा। बैरवा ने मामले की शिकायत साइबर सेल को भी दी है। अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना इलाके के भरतपुर रोड स्थित गांव नंगली सैजपुर के समीप देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 जनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल 25 वर्षीय युवक लवकेश गुर्जर निवासी मेहरावर थाना बयाना जिला भरतपुर व उसका साथी रणवीर सिंह गुर्जर को सीएचसी रामगढ़ में भर्ती करवाया। जांच चिकित्सकों ने लवकेश गुर्जर को मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया कि युवक लवकेश व रणवीर सिंह बाइक से अपने गांव से मुंडावर जा रहे थे। रास्ते में सहजपुर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, इससे यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।